हे गाइस, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम क्रैकर विद एवी में। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं IBPS PO क्लर्क फाइनल रिजल्ट के बारे में। आज 1 अप्रैल है और मैंने आपको बोला था कि आज रिजल्ट आएगा। देखिए, उसका बेसिक रीज़न ये आप लोग का था आज आने का, क्योंकि मेन तो आप लोग का ये है कि IBPS एक ऐसी संस्था है जो वर्क फ्रॉम होम कर सकती है, एंड ऑलरेडी रिजल्ट तैयार हैं, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। ऑलरेडी आप लोग के रिजल्ट तैयार हैं, लेकिन इसको पब्लिश नहीं करने का एक बहुत बड़ा रीज़न है, जो कि मैं अभी आप लोग के सामने बताऊंगा, जिसको आप लोग को समझना होगा क्लियरली कि क्यों रीज़न नहीं, क्यों नहीं आया रिज़ल्ट। ठीक है, तो इसका एक बहुत ही बड़ा कॉज ये है कि गवर्नमेंट डिसाइड नहीं कर पा रही कि वैकेंसी कितना निकाले, वैकेंसी का क्या है। क्योंकि देखिए, आप लोग के जो मर्जर होने का था, बड़े बड़े मर्जर्स जो होने वाले थे, PNB, केनरा बैंक के, आंध्रा बैंक के, ये सब जो आप लोग का मर्जर होने वाला था, तो ये मर्जर जो है वो आज होने का था, और उसके बाद जो है आप लोग के वैकेंसीज रिवाइज होने के थे। एंड ये जो लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था, फाइनेंशियल कंडीशन जो ख़राब हुई है इंडिया की, उसकी वजह से वैकेंसीज में इफेक्ट पड़ेगा। अगर IBPS निकाल देता, रिजल्ट तैयार है, रिज़ल्ट सब कुछ तैयार है, आप लोग का मेरिट लिस्ट बन चुका है, हर चीज़ हो चुका था, लेकिन आप लोग का ये वैकेंसीज में प्रॉब्लम आने वाली है, तो इस चीज़ में आप लोग का सोच के आप लोग का रिज़ल्ट रोका गया है। ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं थी आज रिज़ल्ट देने के लिए, क्योंकि उनको वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आराम से निकल जाता रिज़ल्ट। बट वैकेंसीज कहीं जब गवर्नमेंट अपडेट नहीं दे रही है, तो आप लोग का कैसे रिज़ल्ट आ जाता। ये फाइनल रिज़ल्ट है, इसलिए नहीं आया है। अगर ये कोई नॉर्मल रिज़ल्ट होता तो निकल जाता, लेकिन अगर ये रिज़ल्ट दे देता और बैंक्स अलॉट कर देता, और बाद में पता चलता वैकेंसीज कम हुई है, जैसे आप लोग का एक एग्ज़ाम हुआ है, ESIC का एग्ज़ाम में क्या हुआ, रैंक लिस्ट दे दिया, सब स्टूडेंट सोच लिए कि मेरा तो हो गया सिलेक्शन, उसके बाद एक नोटिस आता है कि वैकेंसीज कम हो गई, तो कितना बवाल उठाए सबके में। इसीलिए IBPS ये गलती नहीं करना चाह रही है। IBPS के पास रिजल्ट्स तैयार हैं, लेकिन वो पब्लिश नहीं कर पा रही, क्योंकि गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं आया अभी तक, तो उस ऑर्डर के लिए आपको वेट करना होगा, और चांसेस है लॉकडाउन के बाद के आने के, तो आप लोग को तब तक का वेट करना होगा। एंड जो भी है आप लोग कट ऑफ, तो आप लोग का मैंने बताया, मेरे हिसाब से आप लोग इससे पहले देख सकते हैं 42.87 के आसपास जाएगा, एंड EWS का भी बताया मैंने, कुछ 41 से 42 के बीच में आप लोग का OBC का रहेगा। ठीक है, तो ये सारे रहेंगे कट ऑफ्स आप लोग के। अब लेकिन आप लोग को माइंड, मेन आप लोग का जो है, अब क्या है आप लोग का करना क्या है, आप लोग का मेन जो होना चाहिए कि आप लोग को नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, आप लोग को इसके भरोसे नहीं रहना है। अगर बहुत भी अच्छा पेपर गया है, तो RBI मेंस है आप लोग का, असिस्टेंट का, उसके लिए तैयारी कीजिए, या फिर कोई अगर आप लोग का कोई और एग्ज़ाम पे फोकस है तो उस पर करिए, लेकिन अभी टाइम को जाने मत दीजिए। बहुत अच्छा टाइम है आप लोग को मिला है, उस टाइम को यूज़ करते रहिए। एंड रिज़ल्ट मैं बता दूँ आप लोग को कि बहुत ही जल्दी आने वाला है। ठीक है, एंड रीज़न वही है आप लोग का कि गवर्नमेंट के ऑर्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको आप लोगों को बहुत बुरा लगा होगा कि आज रिज़ल्ट आएगा सोच के आप लोगों ने होप रखा था, लेकिन नहीं आया। लेकिन रिज़ल्ट आप लोग का वही है कि रीज़न आप लोग का वही है कि गवर्नमेंट की वैकेंसी सब डाउन होने के अभी चांसेस हैं। दोनों हो सकता है, अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है, दोनों के लिए रेडी रहिए आप लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।